इंदौर में इन दिनों वैन चालकों और ऑटो चालकों के साथ ही उन लोगों की फजीहत हो चली है जो अपने होनहारों का भविष्य तो स्कूल की सहायता से बनाना चाहते हैं। लेकिन DPS हादसे के बाद प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदम अब लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। इसके चलते शुक्रवार को पालक और चालक एक साथ अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद पहले तो मुख्य द्वार पर प्रशासन से कुछ समय की रियायत देने की गुहार लगाई गई, जिसके इंदौर के एकमात्र कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पालकों के समर्थन में उतर आए। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि शहर भर में ऐसे 2 लाख से अधिक पालक हैं जो बच्चों की पढ़ाई के खुद की नौकरी के बचाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में कोई वैकल्पिक सुदृढ़ व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। इस बात पर ADM ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर आश्वस्त किया कि पालकों की मांगों को जिला कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा। सर अंततः बातचीत बेनतीजा होते देख आखिर में विधायक जीतू पटवारी ने प्रशासन को सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे में पालकों की समस्या का कोई हल नहीं होता है तो वे शनिवार सुबह 11 बजे से कलेक्टर कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पालकों की समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। कांग्रेस विधायक के इस ऐलान के बाद एक बार राजनीति गर्मा गई है। बोलकर सर जी तो भाई आज किस तरह का आश्वासन दिया गया है और आगे कोई मांगे नहीं है। ये 2 लाख परिवारों की दिक्कत है और जो प्रशासन का रवैया है वो अच्छे के लिए हो सकता है और आवे बाड़ी हमने अनुरोध किया है कि इसको बदली तो वैकल्पिक व्यवस्था का अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हो तो ये मतलब हिटलर चाहिए। आप ऐसा नहीं करोगे तो कल मैं 10 बजे यहाँ पे 10, 10:30, 11 बजे के पहले पहले आमरण अनशन को। अच्छा आमरण अनशन में कौन होगा आपके साथ? मैं अकेला हूँ सिंगल। अरे हम साथ में हैं।